आसमान जैसे काट रहे हैं। ये देखो भाई साहब, ये देखो कितने प्यार से, मतलब ये देख रहे हो आप लोग कितनी सारी रस्सी इतने आराम से कट गई। और ये देखो मांझा, मैं चूंकि बता सकता हूँ आप लोगों को, वहां से नहीं पता चल रहा होगा लेकिन घिसा भी नहीं है जहाँ से मांझा इन्होंने वो करा था, कुछ भी नहीं पड़ा है फर्क मांझे को। यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीए व्लॉग्स। आप लोग देख रहे हैं पीए व्लॉग्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं अपने चैनल पे वापस। तो आज मैं आया हूं फिर से काइट मार्केट की वीडियो बनाने। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैंने पूछा था कि राखी का चाहिए या काइट का, तो आज मैं फिर से चावड़ी बाजार आया हूं लालकुआ, क्योंकि जो सीलमपुर की मार्केट है वो उसे अच्छा नहीं बताते, मतलब थोड़ी गंदी सी मार्केट है, तो वहाँ नहीं गया, जाने लायक नहीं कहते उस मार्केट को। तो मैं फिर से यहाँ पे आया हूँ। तो जिस शॉप पर मैं आया हूँ उसका अभी आपको कार्ड दिखाता हूँ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत चले जाना। और चलो पहले अभी कार्ड दिखाता हूँ कि कहाँ पर आया वो। तो गाइस ये है यहाँ के ओनर यहाँ पे। तो आपका नाम क्या है? छोटे भाई। और आपकी शॉप का? छोटे भाई नाम से। छोटे भाई के नाम से ही है। कार्ड दिखा दो आप अपनी शॉप का एक बार। ये देख सकते हो आप इनकी शॉप का कार्ड। 700 बोल के कोई फायदा नहीं है। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे इनका कार्ड है, आप रोक करके वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे नंबर वगैरह दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, दिखाना कि क्या है यहाँ पे, इनके पास क्या क्या अवेलेबल है और कैसे मांझे हैं, कितनी बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो बस चलो दिखाते हैं। रेट बता रहे हैं एक पतंग के कितने की है? ₹1.60 की। ₹100 की 100 है। ये ₹140 की 100 है। ₹300 की 100 है। ₹300 की 100 है। ₹400 की 100 है। 7 रुपये की 100 है। 700 रुपये की 100 है। ठीक। पौने की पतंग है ठीक। ये मैदानी में, मैदान में उड़ाते हैं ना? हाँ, ये मैदानी वाली है। ये 450 रुपये कलर पतंग है। कितने की भैया? 450 रुपये। 450 रुपये की 100। ये 450 रुपये की 100 है। ये भी 450 रुपये की 100। 350 रुपये की 100 है। 350 रुपये की 100 ये वाली। ये 450 रुपये की 100 है। 450 रुपये की 100। ये 650 रुपये की 100 है। बस। और सबसे बड़ी पतंग कौन सी आपके पास? कितने की है वाली? होलसेल में? हाँ, 12 रुपये की। और होलसेल और रिटेल का प्राइस आपका अलग है सारा? नहीं, होलसेल का जो है तो 10-20 मिल जाते हैं। और आपकी शॉप कितनी, कितने साल पुरानी है? 30 साल पुरानी। ये इन्होंने यहाँ पे फोटो लगा रखी है, 30 साल पुरानी। और मांझे दिखा दो, मांझे कैसे हैं? यहाँ पे मांझे हैं 450 रुपये का है। ये 450 रुपये के, मतलब जो सारे लगे हुए हैं 6 रील के, छः रील के दिखाने के डाल के। और बारिश के चक्कर में रुका पड़ा है, ऊपर से कावा का टाइम चल रहा है, तो रास्ते में ना ब्लॉक है। ये एनआरके का है? ये ओरिजिनल एनआरके है। ये कितने की है? 600 रुपये की। कितने रील? 6 रील। और आपके पास सबसे महंगी चरगरी कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी और सबसे महंगा मांझा चरगरी? 1500 रुपये की 6 रील की। 1500 रुपये की 6 रील की। मैदानी, मैदानी मांझा है। और देख सकते हैं यहाँ पर इनके पास सबसे महंगा मांझा कितने रील है इसमें? 3 रील है। कितने का? 1 रील लोगों 600 रुपये का है। अच्छा, 1 रील 600 रुपये का है। और 3 रील लोगों बंद पैकेट लोगों 1500 रुपये का है। अच्छा, तो मतलब 300 रुपये कम है अगर 3 रील लोगों तो उसमें। 1500 रुपये की 3 रील है और 1 रील है 600 रुपये की, तो इसकी धार बड़ी ज़बरदस्त होगी। होगी नहीं? है, है। अच्छा, बहुत बड़ी धार है इसकी। और इससे इससे ऊपर कुछ नहीं आपके पास? अच्छा, सर ये मैदानी है। अच्छा, ये मैदानी है 3 रील की 700 रुपये की। ये 3 रील की है 700 रुपये की। मेरे को भी लेने दे। देख सकते हो यही है वो 600 रुपये रील वाला मांझा। तो इसकी भाई दिखाना डोर का है। ये रील।
तो भाई मैं वीडियो में ऐसे समझा नहीं सकता, लेकिन जो इसकी धार है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये एक एक चीज़ करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो इनके जो प्लास्टिक वाली रस्सी होती है इस मांझे से इसको काट करके दिखाएंगे। तो देखो इस मांझा, आपको पता चलेगा कितना ज़बरदस्त मांझा है। देखो कितनी बार फोल्ड कर रहा है इसको रस्सी को। अब देखो इस मांझे से काट के दिखाएंगे आपको, इतनी बार मोटा कर लिया, अब इसी मांझे से काट के दिखाएंगे। देखो भाई साहब, ये देखो कितने प्यार से, मतलब ये देख रहे हो आप लोग कितनी सारी रस्सी इतने आराम से कट गई। और ये देखो मांझा, मैं चूंकि बता सकता हूँ आप लोगों को, वहां से नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन घिसा भी नहीं है जहाँ से मांझा इन्होंने वो करा था, उसे भी नहीं पड़ा है फर्क मांझे को। सेकंड बने बताओ, मतलब मुश्किल से कितने, 3 सेकंड, 2 या 3 सेकंड लगे इतनी रस्सी काटने में। मतलब आप सेकंड को ही देख करके समझो कि कितनी जबरदस्त धार है। और नॉर्मल मांझे को अगर आप लोगे तो काफी टाइम लगता है, और सेकंड से पता चलेगा कि कितना जबरदस्त धार है इसकी। तो भाई ये मांझा आप लो, सबसे जबरदस्त मांझा है। प्लास्टिक व्लास्टिक का मांझा तो कुछ भी नहीं है, मोनोकाइट मोनोकाइट सब करते हो आप लोग, वो कुछ भी नहीं है मोनोकाइट, ये लो। तो भाई अभी यहाँ की वीडियो हो गई है और मैं कुछ मान ले रहा हूँ 15 अगस्त के हिसाब से मांझा वगैरह पतंग यहीं से ले रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जो शॉप खुलती है वो बंद है इस बारी। तो इस बार यहाँ पर आया हूँ तो लेकर के ही जाते हैं, और दिखाता हूँ कि अब मैंने क्या लिया। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करो, और ऐसी फैला दो जैसे लास्ट वाली काइट वाली मार्केट वाली वीडियो, आप लोगों ने 26,000 व्यूज़ पहुँच गया उस पर, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। या और आप बताओ राखी ब्लॉग चाहिए नहीं, अब ये वाला तो हो गया, ये कल आ जाएगा, आज शूट हो रहा है कल आ जाएगा चैनल पर। और अगर राखी वाला भी चाहिए तो वो भी बताओ, वो भी बना देंगे, क्योंकि आप लोग सब काइट काइट ही कर रहे थे, तो मैंने इसलिए कहा कि चलो काइट वाले दोबारा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब राखी वाला भी बना लेंगे, वहाँ सदर जाना पड़ेगा वहाँ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस देखो अब क्या लिया मैंने, दिखाता हूँ। तो भाई ये चढ़ चुका है एक रील मांझा, और एक चरखड़ी पे सब्जी चढ़ वाली है। तो भाई और एक और चीज़ बतानी है आप लोगों को, अभी एक इंसिडेंट हुआ कि मेरा, मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ कि क्या हुआ। अभी भाई एक दुकान पे यहीं पर है, यहाँ पर भाई एक छोटा सा अपना सब्सक्राइबर आया वहाँ करके, कहता भाई पीए व्लॉग, मैं कहा हाँ, कहता भाई आपका चैनल देखता हूँ, सब्सक्राइबर हूँ। भाई ये देखो फोटो, भाई बंदे की फोटो ये रही, देखो एक भाई मैंने फोटो ले ली, मुझे व्लॉग में लेना भूल गया। जो भी मैं डाल देता हूँ, कोई नहीं, ब्लर आ रही है अभी, मैं आपको डाल देता हूँ, अभी स्क्रीन पे आ जाएगी। ये देखो यहाँ पर आ रही हो गया यहाँ पर। तो भाई ऐसे होता है भाई, इतना मतलब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने उसे बंदे को वीडियो में नहीं लिया। चलो कोई नहीं, फोटो तो ले ली थी, मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं वीडियो में ही लेना भूल गया। तो भाई अगर अब वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत चले जाना। और भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी मैं तेरे को वीडियो में लिया, तो कोई नहीं भाई। और भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा तू मिलने आया भाई, जो भी नाम था वगैरह मैं पूछा नहीं। और भाई ऐसे ही प्यार दो भाई, मतलब बता नहीं सकता जो आज फीलिंग आई ना कि सब्सक्राइबर ऐसे भाग करके आया कि भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ ऐसे। तो ऐसे ही आप लोग मिलो मुझसे, ऐसे ही प्यार देते रहो, हम भी एक दिन बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ना है आगे, है ना भाई कृष्ण? भाई पीएम व्लॉग्स है ना? हाँ भाई पीएम व्लॉग्स, सर बिग फैन, सर बिग 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 बिग। हाँ भाई उस बंदे ने भी आकर के ऐसे बोला, ऐसे दिल को छू गई बात। तो भाई ऐसे प्यार देते रहो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तभी अच्छा लगता है, क्योंकि आप ऐसे मार्केट वगैरह में मिलोगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं स्टड हूँ भाई, मिलो मुझसे आगे। तो भाई मेरी व्लॉग भी देख लेना, हाँ इसका भी व्लॉग देख लेना, इसके चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सारे जाने, हाँ सारे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। भाई अपना मोटा है, मोटा लोग कमेंट करते हैं, मोटा छोटा छोटा मोटा है ना। चलो ठीक है, तो बस वीडियो एंड करते हैं, और घर जा करके एक बारी फिर दिखा दूंगा कि छोटी सी क्लिप डाल दूंगा कि मैंने क्या लिया। वैसे आप लोगों ने देख ही लिया है, बाकी भी चलते हैं। मैंने पतंग इसलिए नहीं ली यहाँ से क्योंकि भाई मैं मेट्रो से आया हूँ, मेट्रो से ट्रैवल करा है, तो भाई इतने दूर किसी व्हीकल से आना तो पॉसिबल है नहीं, और अभी एज भी छोटी है हमारी तो आ भी नहीं सकते, लाइसेंस नहीं है। जैसे मेट्रो से आए थे तो भाई कश्मीरी गेट वगैरह पे भाई फट जाती है पतंगे, क्योंकि उस रास्ते में पड़ता ही है। तो भाई अगर बस ऐसी देखते रहो वीडियो, और पसंद आ गई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करो। और भाई मेरे को अभी तक भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जो मेरा सब्सक्राइबर मिलने आया ऐसे भाग करके। तो ऐसे ही बस भाई करते रहो। भाई यहाँ पे छोटा सा बच्चा है आकर के कह रहा है, इनका शॉप पे ही रहता है, इनके साथ में रहते हैं। तो भाई ये कह रहा है अगर बिग फैन, भाई बहुत ही असली खुशी ऐसे मिलती है। तो ऐसे ही प्यार देते रहो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन बाय।
realize. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.